हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम केंजिन मॉडल को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में आपने टू सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी के बारे में पढ़ा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं थ्री सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी। जब अर्थव्यवस्था त्रिक्षेत्रीय हो जाती है तो इसमें कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर भी इंक्लूड हो जाता है, शामिल हो जाता है। और अब इक्वेशन चेंज होकर के जाती है वाई इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। अब हम साम्य आय के निर्धारण को आगे बढ़ाते हैं। जब हमारा समीकरण y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी हो जाता है तो अगले स्टेप में हम c के स्थान पर c का मान रख देते हैं। देन y इक्वल टू ए प्लस बी वाई प्लस आई ए, यहाँ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को लिया गया है, प्लस g y माइनस बी वाई, इस बी वाई को हम इधर ले जाते हैं। देन y माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए आई ए प्लस जी, वाई यहाँ कॉमन आ जाता है, अंदर वन माइनस बी बच जाता है, इज इक्वल टू ए प्लस आई ए प्लस जी। y इज इक्वल टू ए प्लस आई ए प्लस जी अपॉन वन माइनस बी, इक्वेशन नंबर वन। ये हमारी इनिशियल इक्विलिब्रियम इनकम है। इसके पश्चात मान लीजिए यदि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज हो जाता है, सरकारी व्यय में वृद्धि हो जाती है, तो ऐसा होने पर इनकम में भी वृद्धि होगी, आय भी बढ़ जाती है और समीकरण परिवर्तित होकर के कुछ इस प्रकार से हो जाता है y प्लस डेल्टा y, यानी गवर्नमेंट सेक्टर में जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो आय भी डेल्टा वाई के बराबर बढ़ जाती है, इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई प्लस बी डेल्टा वाई, कंजम्पशन भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है, प्लस आई ए प्लस जी प्लस डेल्टा जी। अब हम बी वाई और बी डेल्टा वाई को बराबर से पहले ले जाते हैं तो समीकरण कुछ इस प्रकार से हो जाएगा वाई माइनस बी वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस बी डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई ए प्लस जी प्लस डेल्टा जी। यहाँ वाई कॉमन आ जाता है, वन माइनस बी अंदर बच जाता है, यहाँ डेल्टा वाई कॉमन आता है, वन माइनस बी अंदर बच जाता है, बराबर ए प्लस आई ए प्लस जी प्लस डेल्टा जी। वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू वन ए प्लस आई ए प्लस जी प्लस डेल्टा जी अपॉन वन माइनस बी, इक्वेशन नंबर टू। ये हमारी नई इक्विलिब्रियम इनकम है। तो इस तरह आपने देखा कि जब गवर्नमेंट सेक्टर एंटर हो जाता है तो इकोनॉमी टू सेक्टर मॉडल से थ्री सेक्टर मॉडल में कन्वर्ट हो जाती है और ऐसा होने पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है। जब द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की बजाय त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और ज्यादा निर्धारित होती है। अब इसी चीज को हम इस रेखा चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको ओ वाई एक 45 डिग्री की रेखा के रूप में दिखाई दे रहा है। ये एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन है जो कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से प्रारंभिक एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वह इस तिरछी पड़ी हुई रेखा के रूप में y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। ये है एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और ये एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन है। ये दोनों ई बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं जहां पर ओ वाई राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है। अब यदि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में वृद्धि हो जाती है तो ये जो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और ऊपर की तरफ शिफ्ट होकर के वाई इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस डेल्टा जी के रूप में आगे खिसक जाता है और अब नया साम्य ई वन बिंदु पर होता है जहां पर ओ वाई वन राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है। तो इस तरह समीकरण और रेखा चित्र इन दोनों के रूप में आपने साम्य आय को देखा। अब हम एक न्यूमेरिकल की सहायता से इसे समझने की कोशिश करते हैं। हम एक संख्यात्मक उदाहरण लेकर के त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय के निर्धारण को ज्ञात करने जा रहे हैं। ये हमारा साम्य राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने का सूत्र है। हम पिछले प्रश्न को ही आगे बढ़ाते हैं जिसमें हमने C बराबर 40 प्लस 0.8 y लिया था, आई ए इज इक्वल टू हमने 50 लिया था। सपोज G इज इक्वल टू यदि हम 50 मान करके चलते हैं तो अब राष्ट्रीय आय कितनी होगी इसे हमें ज्ञात करना है। देखिए राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने का ये सूत्र आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। मैं इन समस्त मानों को डायरेक्ट इसी सूत्र में रख करके आपके सामने इसका सॉल्यूशन कर रही हूँ। y हमें कैलकुलेट करना है, फिर a का मान दिया हुआ है 40, तो यहाँ आ जाएगा 40 प्लस आई ए, ये मान दिया है 50, प्लस g बराबर यहाँ दिया है 50 अपॉन 1 माइनस b का मान दिया है 0.8। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देन y इज इक्वल टू 50 प्लस 50 100 प्लस 40 140, 1 माइनस 0.8 देन 0.2, इस पॉइंट को हटाएंगे यहाँ जीरो आ जाएगा। अब आप इसको काटेंगे, अब इनकम आ गई 700, राष्ट्रीय आय 700 रुपए निर्धारित होती है। अब मान लीजिए
कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, इसमें वृद्धि हो जाती है, तो राष्ट्रीय आय में इसकी वजह से क्या परिवर्तन होगा। जब सरकारी व्यय में वृद्धि होती है तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है, और यह वृद्धि किस प्रकार से किस अनुपात में होगी इसे हम इस समीकरण की सहायता से आगे देखते हैं। मान लीजिए कि जी में डेल्टा जी के बराबर डेल्टा जी इक्वल टू 10 रुपए की वृद्धि कर दी जाती है, तो अब पुनः नई जो राष्ट्रीय आय ज्ञात होगी वह इस प्रकार से होगी, वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए, ए का मान है 40, आई का मान 50, जी का मान 50, डेल्टा जी का मान 10 अपॉन 1 माइनस 0.8। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू 50 प्लस 50 100, 150 अपॉन 0.2, इस जीरो को हम हटाएंगे, ये मान आ जाता है 750। पहले राष्ट्रीय आय तय हो रही थी 700 रुपए, और अब राष्ट्रीय आय में 50 रुपए की वृद्धि होकर के राष्ट्रीय आय बढ़कर के 750 रुपए हो जाती है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है और वो ये है कि सरकारी व्यय तो केवल 10 रुपए का बढ़ाया गया है, परंतु राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि उससे कहीं कई गुना ज्यादा है। ये किन्स के गुणक प्रभाव के कारण होती है, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे। तो इस तरह आपने देखा कि सरकारी व्यय को जब शामिल कर दिया जाता है, अर्थव्यवस्था त्रिक्षेत्रीय हो जाती है, तो द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षा अधिक ऊंची राष्ट्रीय आय का स्तर तय होता है। अब हम इसे थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और इस मॉडल को हम 3 सेक्टर मॉडल की बजाय अगर 4 सेक्टर मॉडल में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये 4 सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी अगर बन जाता है, तो जो चौथा क्षेत्र है अर्थव्यवस्था का वो है एक्स माइनस एम, यानी वाई इज इक्वल टू हमारा जो इक्वेशन है वो इक्वेशन यहाँ बदल जाता है, समीकरण यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और समीकरण में परिवर्तन होकर के कुछ एडिशन उसमें हो जाता है, और वो एडिशन है y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को भी हम इसमें शामिल कर देते हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के डिफरेंस को इसमें जोड़ा जाता है। तो जहां ये प्रथम जो समीकरण है, फर्स्ट इक्वेशन है राष्ट्रीय आय को तय करने का, इसमें भी एडिशन हो जाता है एक्स माइनस एम का। तो इस तरह ये हमारा जो समीकरण है ये 3 सेक्टर से कन्वर्ट होकर के 4 सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि जब अर्थव्यवस्था द्विक्षेत्रीय होती है तो द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का निर्धारण y इज इक्वल टू सी प्लस आई की सहायता से किया जाता है। जब अर्थव्यवस्था 3 सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी बन जाती है तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी हो जाता है, और 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था होते ही y बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इसमें शामिल कर दिया जाता है। तो ये था केन्स के द्वारा सिंपल राष्ट्रीय आय के निर्धारण का मॉडल। मैंने जैसा आपको पिछले वीडियो में बताया था कि राष्ट्रीय आय का निर्धारण 2 विधियों से किया जाता है, समग्र मांग और समग्र पूर्ति विधि, और दूसरी है बचत और विनियोग विधि। इन दोनों विधियों में से किसी भी विधि से चाहे राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाए, मान हमेशा बराबर ही प्राप्त होंगे। कहने का अभिप्राय क्या है कि हम किसी भी मेथड से एनआई को कैलकुलेट करें, जो मेजरमेंट एनआई का मिलेगा वो हमेशा दोनों में एक समान ही प्राप्त होगा।